नमस्कार, मेरा नाम है चंदमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक चल रही है उसमें सबसे खास बात ये है कि जो उद्धव चाहते थे वही तो हुआ। अब आप हमसे यह सवाल जरूर कर सकते हैं कि भला अपनी सरकार को कौन गिराना चाहेगा। अगर आपको इसका जवाब जानना है तो थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है और ये समझना पड़ेगा कि अतीत भविष्य को किस तरह से प्रभावित करता है। देश में उन दिनों हिंदुत्व की लहर चल रही थी, उसी दौरान बीजेपी और शिवसेना के बीच 33 साल पहले 1989 में गठबंधन हुआ। हालांकि शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन की शुरुआत 1984 में ही हो गई थी, लेकिन गठबंधन को सफलता 1995 में मिली जब पहली बार शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनी। उस समय राम मंदिर आंदोलन के चलते हिंदुत्व की लहर चरम पर थी। दोनों को चुनाव में इसका फायदा मिला। शिवसेना ने 73 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को 65 सीटों पर जीत मिली। तब बाला साहब ठाकरे ने फार्मूला दिया कि जिस पार्टी के पास ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। इसी आधार पर शिवसेना ने मनोहर जोशी को सीएम की कुर्सी दी और बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे डिप्टी सीएम बने। लेकिन वही फार्मूला 2019 में गठबंधन टूटने का सबसे बड़ा कारण बना। 2014 के बाद ही शिवसेना महाराष्ट्र में छोटे भाई की भूमिका में आ गई थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज़्यादा जबकि शिवसेना ने कम सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 106 सीटें मिली जबकि शिवसेना को 56 सीटों पर ही सफलता मिल पाई। इसके बाद उद्धव ने ढाई ढाई साल के सीएम के फार्मूले का दांव चला, लेकिन बीजेपी नहीं मानी, लिहाजा शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे सीएम बने। अब वर्तमान पर आ जाते हैं जहां उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं और भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच आप ढाई साल वाले फार्मूले को भूल गए। उद्धव ने पहले ही यही तो मांग रखी थी कि ढाई साल मुख्यमंत्री का पद, और ढाई साल के बाद इस तरह से नाटकीय ढंग से शिवसेना के विधायकों का टूट जाना राजनीति के दूसरे चेहरे की तरफ भी संकेत देता है। खैर, यह तो कहा ही जा सकता है कि ढाई साल शिवसेना और भाजपा के मुख्यमंत्री वाला उद्धव का फार्मूला तो लागू होता नजर आ रहा है, चाहे गठबंधन किसी के साथ रहा हो और घटनाक्रम कुछ भी रहा हो। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।